राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया है कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा आंखों की सर्जरी कराने लंदन गए हैं। राघव की आंखों में कॉम्प्लिकेशन आ गया था, मुझे बताया गया था कि ये बेहद गंभीर है और अगर समय रहते उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो उनकी आंखों की रोशनी जाने की भी संभावना थी। भारद्वाज ने कहा कि मैं उनके जल्दी ठीक होने की उम्मीद करता हूँ, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे वे भारत आएंगे और पार्टी के कैंपेन से जुड़ेंगे। राघव चड्ढा इस साल मार्च में आंखों की सर्जरी कराने के लिए लंदन गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राघव को रेटिना डिचमेंट को रोकने के लिए विट्रोकोमी सर्जरी करानी थी। रेटिना डिचमेंट आंखों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है। इसमें रेटिना में छोटे छेद होने लगते हैं और इससे आंखों की रोशनी को खतरा पैदा हो जाता है। इसे रोकने के लिए तुरंत सर्जरी करानी होती है। ट्रीटमेंट के लिए लंदन होने के बावजूद राघव चड्ढा ने पार्टी में हो रही गतिविधियों को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर सुनीता केजरीवाल के राजनीति में कदम रखने जैसी गतिविधियों को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।